नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में। उस कंपनी में एक बड़ी चेहरा है जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। इसके बारे में जानेंगे, क्या है इसका फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक की थोड़ा सा ट्रेंड की बात है। फिलहाल इसका ट्रैक क्या कहता है, इसका चार्ट एनालिसिस क्या कहती है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दर्शाता है, और जो इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट का पार्ट है उसमें से केवल और केवल प्रॉफिट के पार्ट्स में क्या दर्शाता है, इसका रेवेन्यू का मॉडल्स क्या रहा है। तो पहले जानते हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि 61 रुपये के आसपास की प्राइस रही। नियरली 2.5% आसपास मार्केट में गिरावट देखने को मिली है इस ट्रेडिंग में। अब क्या रहा इसका, उसको पहले जानते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसकी वेबसाइट्स पे जब हम देखते हैं तो कहती है बिल्ड इनोवेशंस दैट आइडेंटिफाई रेम्स अचीवमेंट ग्लोबल वैल्यू इन द एक्सेलेंस। और इसके पास बहुत सारी कुछ टैगलाइंस हैं, फ्रंट लाइनर ऑफ द एक्सेलेंस। और जो अलग अलग तरह के पिक्चर्स चल रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। लगता है बड़ा अच्छा काम किया, बिल्डिंग एक्सेलेंस का काम किया है। ये एक बिल्डिंग लग रही है जो कि पहाड़ों के अंदर लगता है किया है काम, बिल्डिंग एक्सेलेंस का इसको शायद हो सकता है अवार्ड वगैरह मिला हो इस कंपनी के बारे में। तो हम इसकी जानने के प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका देखें तो ये निकल के आती है कंपनी पावर जनरेशन के सेक्टर में करीब देखें चैलेंजिंग चेंज विद द मिशंस टू बिल्ड 8,000 मेगावाट पावर जनरेशन जनरेटर पे काम कर रही है। ओवर 180 किलोमीटर्स ऑफ द टर्मिनल पे काम किया है कंपनी ने। और ऑफर देखा था 5.5 लाख एकड़ ऑफ द लैंड, जो कि लैंड इरिगेटेड्स हैं उस पर काम किया कंपनी ने। इसकी एसेट्स ओनरशिप्स रियल इस्टेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी काम करती है। तो इसके फंडामेंटल्स हुआ। अब स्टॉक मार्केट में जानते हैं इसका क्या है मार्केट का रिएक्शन, साथ में जानेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। पहले देखते हैं मार्केट में क्या, 61 रुपये के आसपास रहा मार्केट, और इसका 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो करीब 80 रुपये के आसपास, और लो की बात करेंगे तो करीब 25 रुपये के आसपास। 25 रुपये से लेकर के नियरली यदि 80 रुपये तक का सफर तय यदि करती है स्टॉक्स, तो यदि ये वैल्यू इसकी पिछले साल की डेटा है, एक साल पुरानी डेटा है, तो इसमें कहा जा सकता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हम इसको जानते हैं क्या है मार्केट में इसकी ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग के क्रम में हम इसको चार्ट को ज़रा देखें। तो चार्ट के क्रम में देखने में आती है ये जो स्टॉक ने एक एक क्या कहते हैं बीच बीच में कई बार स्टेबिलिटी बनाती है स्टॉक्स, लेकिन स्टेबिलिटी के बाद जब गिरती है तो बड़ी लंबी गिरती है। और गिरती है तो ये अभी फिलहाल फिर दोबारा देखने को आती है। तो स्टॉक में फिलहाल कुछ दिनों ट्रेडिंग सेशन में दोबारा इसमें गिरावट देखने को मिली है, और इस तरह के चार्ट ये इस कंपनी बनाती है। इसमें कभी भी बड़ी रिएक्शन नहीं देखने को मिला कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद की बात करें तो। इसमें जब गिरावट थी तो बड़ी लंबी गिरावट थी, जब चढ़ती थी तो स्टॉक बड़ी लंबी चढ़ती थी। जैसे ये गिरावट हुई तो बड़ी लंबी गिरावट हुई, चढ़ी तो बड़ी लंबी चढ़ती है, और थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनाई थी उसके बाद चढ़ना चढ़ने का मौका मिला। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बना रही है फिलहाल स्टॉक, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल की तरफ ही मोमेंटल कर रखा है स्टॉक ने, ऐसा देखने में आती है। तो हम इसको देखें इस चार्ट के बेसिस पे, जहाँ पे पीवी रेशियो और आरओई की बात करें तो पी करीब करीब 16.5-16 के आसपास निकल के आती है। पीवी की बात करें तो 1.5 रुपये का, 1.5 के आसपास, 1.5 के आसपास निकलती है। आरओई की बात करें तो करीब 9 के आसपास निकल के आती है। यदि इसकी बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू स्टॉक की निकल के आती है नियरली 40 रुपये के आसपास, और स्टॉक की प्राइस है 61 रुपये के आसपास। यदि ये स्टॉक अच्छा है, मल्टीबैगर हो सकता है या पेनी स्टॉक्स है, तो स्टॉक की बुक वैल्यू से काफ़ी मोमेंटल अभी नहीं हुआ है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये की आती है। डिविडेंड का कोई पार्ट रहा नहीं अभी तक, उसको काट दिया जाए। जहाँ तक आरओई का बात करें तो आरओई 7.34%, आरओसी की बात करें तो 13.9% आसपास चलती है, और मार्केट कैप भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 5,100 करोड़ के आसपास निकल के आती है। चलते हैं आगे और समझते हैं आगे का रिएक्शंस क्या है मार्केट में। तो इसकी इंडस्ट्री के बात में तो सिविल कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए लिया, अगर आजकल सिविल कंस्ट्रक्शन पे हमने एक सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख रहा हूँ एक स्टडी पर्पस के लिए,
उसके बाद एक निचोड़ निकालेंगे इसमें से सबको छानने के बाद कौन सा परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा। वैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से केबल केबल अच्छे स्टॉक को पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ऐसा नहीं है, कोई टूल्स पे काम नहीं करता हूँ। ओनली द स्पेशल हर एक स्टॉक बाय, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ना कोई प्रमोशंस होती है। हम एक सारे स्टॉक को एक वेरीफाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं जो किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है कुछ पीरियड में। तो इस क्रम में देखें तो हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में क्या निकलती है, चार्ट में ये निकलती है जो स्टॉक ने पिछले एक साल में अच्छी बुलिश लिया था और जो हमने कहा कि स्टॉक्स नियरली 25 रुपये से स्टार्ट होते होते करीब अच्छा मोमेंटल देखने को मिला। यदि यहाँ से हम सीधे यहाँ से कट करके देखें और इस पार्ट को मैंने यहाँ से डिवाइड करके हटा दूँ तब भी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन बीच बीच में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है जो कि देखने में आती है, जो कि आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा रिएक्शंस रहा है। पिछले पाँच दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छी गिरा जंप हुआ था, लेकिन गिरावट भी रही है, पिछले एक महीने में अच्छी खासी जंप देखने को मिला। और हमेशा कई बार कंपेयर करने के टाइम पे हो सकता है एक बॉटम से लेकर के यहाँ तक कंपेयर किया जाता है, कई बार हो सकता है टॉप से लेकर बॉटम को कंपेयर किया जाता है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से किया जाता है। लेकिन एज ऑन डेट की बात करेंगे, यदि मार्केट उस टाइम पे बुलिश था या बेरिश था उसके हिसाब से देखेंगे और एक कंपेटिटिव समझने का प्रयास करेंगे। इस स्टॉक में जो लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें कि 24/5 को लेटेस्ट अपडेट आया था, वो था अर्निंग्स कॉल ट्रांजेक्शंस। अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन थी उसको आपको हमारे हम अपने सामने रखने का प्रयास करते हैं और उसमें हम जानने की प्रयास करेंगे खुद भी। कहती है सबमिशन ऑफ द इन्वेस्टर्स एनालिसिस मीट ट्रांजेक्शन, और इन्वेस्टर की जो मीटिंग हुई थी वो थी कुछ बड़ी शायद नहीं लगता, इन्वेस्टर मीटिंग में क्या हुआ था तो इसमें इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी, इन्वेस्टर मीटिंग में कुछ डिविडेंड की बात किया है इन लोगों ने कि नहीं किया है, यदि मैं देखूं तो कोई भी यहाँ पे डिविडेंड की पार्ट की बात नहीं करते हैं, छोड़ते हैं बाकी क्या लेना, हम इसको लेटेस्ट अपडेट में देखें लेकिन कुछ ऐसा निकल के चीज़ें नहीं आती हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और समझते हैं कंपनी 18/5 को एक्विजिशन करती है, ये कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है, कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। अब यहाँ पे क्या निकल के आता है, एक्वायर 10% ऑफ द स्ट्रेटजिक स्टेक इन द स्टार्टअप टर्नल बोर्डिंग मशीन सप्लाई कंपनी। एक कंपनी है जिसका काम है टर्नल बोर्डिंग का, मशीन सप्लाई करती है, और उस कंपनी में अपनी एक्विजिशन की बात करें तो 10% एक्विजिशन इंक्रीज किया है, एक्वायर किया है पटेल इंजीनियरिंग ने। इस कंपनी का नाम की बात करें तो यहाँ पे लगता है द 10% स्ट्रेटजिक स्टेक इन द स्टार्टअप टर्नल बोर्डिंग मशीन सप्लाई कंपनी। और कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं है तो कंपनी के बारे में कहती हैं सेल्स टर्नलिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें ऑथराइज कैपिटल करीब 10 लाख के आसपास होते हैं, पेडअप कैपिटल भी 10 लाख के आसपास है, उसमें 10% की इनकी जो है होल्डिंग्स है इंक्रीज की है, मतलब एक्वायर की है इसमें पोजिशन को। कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव कोई कंसल्टेंसी सर्विस इन द डिजाइन इन द इंजीनियरिंग फॉर द टर्नल्स प्रोजेक्ट, प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स टर्नल्स एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये सब इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में। तो इसके लिए एक नया बिजनेस का रास्ता खुल रहा है, जो कि ये कंपनी एक सप्लाई करती है मशीन को तो उसमें अपनी एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है कंपनी। चलते हैं अग्नि नेक्स्ट स्टेप में और समझते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी क्या करती है। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 2023 में डिविडेंड राइट इशू दिया था, 19 में राइट इशू दिया था, लेकिन ऐसा कोई डिविडेंड का पार्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो ये कहा जा सकता है डिविडेंड के नाम पे कुछ भी नहीं है फिलहाल कुछ सालों से डेटा देखा तो। एक रिजल्ट के पार्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे दिसंबर तक की रिजल्ट को एक कंपेरेटिव एक स्टैंड लोन के हिसाब से देखें, फिर हम इसको कंसोलिडेट के हिसाब से देखेंगे तो क्या निकल के आती है। पहले स्टैंड लोन में ये देखने निकल के आती है जो कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है वो ये रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस करीब 1052 करोड़ से 1200 अर्थात 200 करोड़ का कंप्लीटली यहाँ पे रिवेन्यू इंक्रीज करता है। साथ में देखें तो इसकी यदि हम सेम रेशियो से यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब मान लेते 42.5 करोड़ से लेकर के और 70 करोड़ के आसपास पहुँचा स्टॉक्स।
ये यहाँ पे अच्छी चीज थी। यहाँ पे ये कहा जा सकता है इसको, जो यहाँ पे करीब करीब 28 करोड़ के आसपास का इसमें नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेंज होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो है बेनिफिशियल की पार्ट नजर आती है। ये थी स्टैंडअलोन हिसाब से। अब इसी को हम कंसोलिडेट अर्न ईयर टू ईयर बेसिस को देखें तो क्या नजर आती है। ईयर टू ईयर बेसिस में हम कंसोलिडेट को देखो, क्वार्टरली बेसिस पे तो ये नजर आती है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल्स था वो दिन बाय दिन इंक्रीज करता जा रहा है। 800 करोड़, 1100 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, लेकिन कुछ पीरियड में कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस किया था, लेकिन कुछ पीरियड में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया था। फिलहाल यहाँ पे देखने में आती है इस पूरे के पूरे क्वार्टर में, जून से लेकर के मार्च तक क्वार्टर में, चारों चारों क्वार्टर में कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो कि 1100 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 1300 से ज़्यादा भी करोड़ टोटल सेल्स इंक्रीज करती है। नेक्स्ट स्टेप देखें, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा एक मायने रखती है कि आपने जो कमाया उसमें कितना बचाया और कितना आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रही। इस क्रम में देखो तो यहाँ पे नजर आती है पूरे के पूरे 2021 से क्वार्टर टू क्वार्टर हिसाब से, तो यहाँ पे कंपनी की सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिली है, जो कि 18% है। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे जो रेवेन्यू था, जो कि सेल्स था, टॉप पे था। साथ में देखें तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टॉप पे था, दोनों तरफ टॉप में देखने को मिलती है। इसी बेसिस पे क्या प्रॉफिट भी टॉप में मिलती है? तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में क्या निकल के आती है? प्रॉफिट में जो एक दो पीरियड के हिसाब से नुकसान देने वाली कंपनी थी, एक क्वार्टर में उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था, वहां पे कंपनी ने इन सबको लक्ष्मण रेखा को नांगते हुए 140 करोड़ का इस क्वार्टर में इसका रिवेन्यू जनरेट हुआ। और यहाँ पे चारों क्वार्टर को मैच कर दें तो नियरली काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है, और ये इसके लिए कहा जा सकता है टॉप टू टॉप रहा। आगे जानते हैं, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें यदि हम पूरे साल की डेटा को देखें जिसको वाई ओ वाई के हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो उस डेटा के बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस रही करीब 4544 करोड़। इससे पहले देखें तो 4100 करोड़, जो कि इससे पहले देखो तो 4200 करोड़, इससे पहले 3300 करोड़, लेकिन इससे पहले भी इसका 4000 करोड़ का आसपास रह चुका है। तो ये नहीं है जो कंपनी ने काफ़ी टॉप लेवल पे काम काज किया है, लेकिन पूरे के पूरे यदि हम 2013 से लेकर के आज तक का डेटा देखें तो काफ़ी रिएक्शन के साथ कंपनी ने यहाँ मार्च 24 में एक बेटर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो कंपेयर 5% के आसपास नजर आती है, उससे ज्यादा 5-6% के आसपास नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कहाँ पे 15% के आसपास ओवरऑल, जो कि टॉप पे नहीं है, इससे पहले भी कई टॉप पे रहा है, 10% के आसपास रहा था, 16% के आसपास रहा था, 16% के आसपास रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको कंपेयर करता जा रहा है क्योंकि तो पिछले साल के हिसाब से ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं लग रही है। आगे की बात करें, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 290 करोड़ के आसपास आता है। जहाँ पे कभी कंपनी नुकसानदायक था और नुकसान की वजह से काफ़ी नुकसान, 200 करोड़, 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो ये कहा जा सकता है इसको नुकसान का जो एक ओवरऑल फिगर्स आउट अगर निकलती है पूरे डेटा बेसिस में, तो वहाँ पे जब नुकसान हुआ तो उसको सेटअप करके देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे फिलहाल यह टॉप पे कारोबार कर रही है। इसके बेसिस पे यदि हम इसी को एक इस लास्ट कंडीशंस को देखें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को, प्रॉफिट ग्रोथ पोजीशंस को, सीएजीआर के हिसाब से देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे देखें, तो ये लगती है देखने में तो फिलहाल 3 साल से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया सेल्स के हिसाब से। प्रॉफिट के पार्ट की बात करें तो प्रॉफिट के पार्ट से 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस था, 3 साल में हर जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस सीजीआर, क्योंकि ये एक ही से डिपेंडेंसी होती है। फिलहाल 1 साल में जो है परफॉर्मेंस
काफी अच्छा किया, जहां पे सीएजीआर के हिसाब से 136% का मूवमेंट हुआ, लेकिन उससे पहले उतना लेवल नहीं रहा। चलते हैं आगे और आगे के स्टेप को समझते हैं, और वो क्या आगे के स्टेप कहती है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 25 अप्रैल को इसमें चेंज हुआ। अपडेटेड की बात करें तो मार्च के बाद 25 अप्रैल की पोजीशन में थोड़ा सा जो पब्लिक के पास थी उनमें पोजीशन में इनबिल्ट इंक्लूड किया गया, और जो 55-56% के आसपास था वो 60% पहुंचा, क्योंकि 3% की पोजीशंस यहां पे ऑलमोस्ट 3% मान लेते हैं, 3% की पोजीशन क्या किया प्रमोटर ने बिकवाली कर दिया, और बिकवाली कहाँ किया सेल किया, और वो किया पब्लिक के पास। इसमें क्या निकल के आता है, इसमें ये जो डेटा है इसका चार्ट दिखता है, चार्ट एक टेम्पररी दर्शाता है, लेकिन फंडामेंटल्स में जो चीज़ें हैं इसका जो रेवेन्यू का मॉडल है बाकी सारे चीज़ इंक्रीज करता जा रहा है दिन बाय दिन के हिसाब से। हाँ एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंस है वो मैं बैलेंस शीट में देखूँ, तो यहाँ पे यदि सेल्स की फिगर और पूरे साल के हिसाब से देखा जाए एक रेशियो निकालना है कि टोटल सेल्स के हिसाब से पैसा कितना नहीं आया अभी तक, इसको डेटर्स कहते हैं, तो इसको डेटर्स सेल्स रेशियो कह सकते हैं। इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 4500 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स रहा, और इसी को यदि हम डेटर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो डेटर में ओवरऑल ये निकल के आती है जो कंपनी का डेटर्स बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 564 करोड़ के आसपास निकल के आता है, 554 करोड़ के आसपास। तो इस लेवल पे देखा जाए तो मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूँ तो 554-560 मान लेते हैं, तो 560 से देखा जाए तो नियरली 9% के आसपास यहाँ पे 4500 10% एवरेज 11% के आसपास का देखने को आता है, जो इसका सेल्स के बेसिस पे जो डेटर है वो अटका पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10% की डिफिशिट देखने को मिलती है। आगे क्या कहती है कंपनी की, आगे कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये बात, जो प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को हल्का किया वो पोजीशन गया कहाँ, तो जो पोजीशन प्रमोटर ने बेचा वो एफआई ने भर भर के खरीदा। एक इसमें कंपनी की मेन कंपनी है जो कि राहित्या और कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी ज़्यादा पोजीशंस हैं, बाकी इनके छोटे छोटे पटेल्स और बाकी कुछ इनके अलग और इंडिविजुअल्स और फैमिली के मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भर भर के किसने खरीदा, एफआई ने खरीदा। एफआई में देखो तो कोई बड़ी चेहरा निकल के नहीं आते, 1% से नीचे वाले हैं सबके सब। डीआई की बात करूँ तो डीआई में 6% के आसपास है पोजीशंस, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा की पोजीशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, पहले किसी पीरियड में देखा है तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पोजीशन को बिकवाली के दौर में बिकवाली करना चालू किया, और बिकवाली करते करते अभी उनके पास 1.16% के आसपास बचती है। दूसरी तरफ देखें तो ICICI बैंक वगैरह सब इनके पास कोई पोजीशन फिलहाल नहीं रहती है, सबने सब अपनी बिकवाली कर चुके हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो पोजीशन हैं उसमें निकल के आती है, जिसमें कि अनिल विश्वनाथ है कुछ इंडिविजुअल निकल के आते हैं, एक अक्सर नाम आता है केडिया सिक्योरिटी, केडिया, तो केडिया यहाँ भी अपने एक उनको लगता है मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी कंपनी, तो ये इनके पास पोजीशंस नियरली थोड़ा सा घट बढ़ के 1.42 के आसपास रहा है मार्च लास्ट लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और अदर्स के अंदर देखें तो अदर्स में एक कंपनी है, इनकी खुद की पोजीशंस हैं जहाँ पे 4% के आसपास, जहाँ कहती है पटेल इंजीनियरिंग एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, इनकी एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर ट्रस्ट है, उनकी पोजीशंस यहाँ पे देख के रखे हैं, जबकि उनकी पोजीशन काफ़ी बीच में बड़ा हो गया था करीब 7% के आसपास, दोबारा इसमें थोड़ा सा 4% के आसपास अभी 4.5% मान लेते हैं अभी बची हुई है। ये था इसका ओवरव्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। कोई भी यहाँ पे प्रमोटर्स प्लेस में होल्डिंग जो है वो प्रमोटर
प्लेज होल्डिंग नहीं दिख रही है। अब लास्ट स्टेप बचती है एनालिसिस की पार्ट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा है जो कंपेयर करने के टाइम पे हो सकता है कई बार जो कंपेयर होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, कई बार यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, कई बार यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें कंपेरेटिव के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देखा जा सकता है जो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फिलहाल की ट्रेंडिंग की बात कर लें तो फिलहाल ट्रेंडिंग ये दर्शा रही है, फिलहाल यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रही है और यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर बनता जा रहा है और स्टॉक बार बार थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा लुढ़कता है, चलता है लुढ़कता है, जब तक एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। यदि इसको हम एवरेज रेट के हिसाब से देखें तो एवरेज रेट के हिसाब से यदि हम 6 महीने के चार्ट को देखें तो 6 महीने के चार्ट में 200 डे मार्क एवरेज लेके देखें तो यहीं पर आके अटकी है और इसका ये कहा जा सकता है 56 रुपये के 55 रुपये के आसपास जाकर अटकती है तो स्टॉक में जो है वो दोबारा से एक फ्रेश खरीदारी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखिए 50 डे के डे मार्क के हिसाब से तो उसके बेसिस पे देखें तो इन्होंने 60 के आसपास निकल के आती है। तो सपोर्ट्स लेवल की बात करूँ जिसको तो सपोर्ट्स में इसके पास 60 भी बचा हुआ है, 55 भी बचा हुआ है, रेजिस्टेंस अभी इसके पास खाली है लेकिन प्रेशर्स ज़्यादा बनता जा रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स वैसे कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल्स में जो सेल्स का पार्ट बाकी चीज़ें वो स्ट्रांग दिखती है, यदि इनके पास ऑर्डर मिलते रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल 10 सालों के डेटा बेसिस में देखें तो एज ऑन डेट के हिसाब से यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको थोड़ा सा मायूस होना पड़ेगा। मायूस क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया है। दूसरी तरफ जो डेटा है 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस 214-15%, 3 साल में 296%, 2 साल में 182%, 1 साल में करीब 136%, 1 साल के स्टॉक पर हम आके रुक जाते हैं। यदि हमारे पास बैंक में 8% के हिसाब से FD आती है, इंटरेस्ट रेट आती है, तो पूरे साल में हमारे पास 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट के कितने रुपये निकलते हैं? 108 रुपये। और यहाँ पे वो 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट की बनती है 136। यही अंतर है स्टॉक मार्केट जहाँ पैसे ही पैसे हैं। 6 महीने के डेटाबेस और फिलहाल ये चार्ट जो थी वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे थे जिसकी वजह से मार्केट में फिलहाल यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है। हम बात कर रहे थे पटेल इंजीनियरिंग की, इसमें ओवरऑल देखें तो इसकी परफॉर्मेंस में हमें फंडामेंटल्स में एक तरह से एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, हमेशा रिवेन्यू इंक्रीज किया है। हाँ, टेक्निकल साइड में प्रेशर्स का दबाव शेयर सप्लाई की तरफ से ज़्यादा ध्यान है। इसको यदि हम कभी कंपेयर करें तो कंपेयर इसको पियर्स कंपनी तो है L&T, लेकिन इससे कंपेयर करने लायक है नहीं क्योंकि इसकी जो रेशियो है वो है 61 रुपये के आसपास। कभी भी किसी स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो वो 60 रुपये 61 रुपये के आसपास। SG Marts पर हम अभी बात करेंगे नहीं, और इसके बाद ये इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है जो कि एक इक्विवेलेंट हो सकता है मोमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक अच्छा अपर साइड में निकल के आती है। रिजल्ट के साइड में देखें तो रिजल्ट के साइड में सबका रिजल्ट आ चुका है, मार्च तक का रिजल्ट, और सभी का सेल्स के हिसाब से देखें तो कंपेरेटिव करने के लिए सेल्स बेसिस पे देखा जाए तो इसका और इसका निकल के आता है, साथ में इसका भी निकल के आता है। यदि प्रॉफिट इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में करीब ये निकल के आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये निकल के आती है, इससे अच्छा परफॉर्मेंस किया ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में जो परफॉर्मेंस लेवल है उनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसकी ज़्यादा दिख रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका नाम हमने समझने का प्रयास किया पटेल इंजीनियरिंग के बारे में और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।